हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी का रेडमी नोट 10 का डिवाइस है, सो गज आप सभी को पता होगा कि इस रेडमी नोट 10 डिवाइस में 12.5 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। बट दोस्तों, 12.5 के बाद काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सुपर वॉलपेपर्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। सो गज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 12.5 को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने रेडमी नोट 10 डिवाइस में सुपर लाइव वॉलपेपर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास Redmi का Redmi Note 10 हो या फिर Redmi Note 9 डिवाइस हो, दोनों ही डिवाइसेस में ये प्रोसेस सेम टू सेम है। सो अब देखेंगे, मैंने अपने Redmi Note 10 डिवाइस में 12.5 को इंस्टॉल किया है। एंड सबसे फर्स्ट देखेंगे थीम स्टोर में मुझे वॉलपेपर की कैटेगरी में कहीं भी मुझे सुपर वॉलपेपर का फंक्शन नहीं है, मतलब कि फीचर नहीं है। फिर भी दोस्तों, 12.5 के बाद अगर आपको अपने डिवाइस में सुपर वॉलपेपर को इनेबल करना है तो इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 10 जो कि एक सुपर एमोलेड डिवाइस है, तो सुपर वॉलपेपर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा आपको 12.5 के बाद ही देखने को मिल जाता है। सो गाइस, सुपर वॉलपेपर को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, एक वॉलपेपर का जो APK फाइल है उसको इंस्टॉल करना है, जिसके लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। सो जो भी वॉलपेपर का जो APK फाइल है उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सो अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सो जो भी सुपर वॉलपेपर का APK फाइल है, जस्ट आपको सिंगल APK फाइल को इंस्टॉल करना है। उसके बाद रिसेंट पैनल से सारे के सारे टैब्स को आपको क्लियर करना है, मतलब कि क्लोज ऑल करना है। फिर उसके बाद आपको थीम स्टोर को ओपन करना है। थीम स्टोर ओपन करने के बाद जाना है वॉलपेपर की कैटेगरी में। एंड वॉलपेपर की कैटेगरी में जाने के बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे, आपको सुपर वॉलपेपर इनेबल हो जाता है। तो सिंपली आपको सुपर वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद देखेंगे आपके सामने काफी सारे सुपर वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जैसे कि देखेंगे रिंग्स है, उसके बाद देखेंगे मार्स है, उसके बाद देखेंगे आपको ज्योमेट्री है, ऐसे काफी सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, आप इसका प्रीव्यू भी चेक करके देख सकते हैं, मतलब कि लॉक स्क्रीन में कैसे दिखेगा, उसके बाद अनलॉक स्क्रीन में कैसे दिखेगा एंड होम स्क्रीन में कैसे दिखेगा, हर एक वॉलपेपर के लिए देखेंगे आप, प्रीव्यू चेक करके देख सकते हैं। तो इनमें से जो भी वॉलपेपर आपको पसंद आता है तो उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो मैं सारे वॉलपेपर को डाउनलोड के लिए स्टार्ट कर लेता हूं। एंड डाउनलोड करने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है तो प्रीव्यू भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन है, उसके बाद अनलॉक स्क्रीन है एंड उसके बाद देखेंगे होम स्क्रीन है। एंड बाद में जो भी वॉलपेपर आपको पसंद आता है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। सुगज अप्लाई करने के बाद देखेंगे आपको जो वॉलपेपर का एक्सपीरियंस है 12.5 के बाद काफी शानदार आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्टेप से देखेंगे Redmi Note 10 हो गया, Redmi Note 10 हो गया, जो भी आपके पास डिवाइस है 12.5 के बाद इस स्टेप से देखेंगे सुपर लाइव वॉलपेपर इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका ऑफिशियल APK फाइल मिल जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।